हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ फलों का बिजनेस कैसे शुरू करें। फल बिजनेस को छोटे दर्जे का बेकार व कम फायदे वाला बिजनेस सोचकर अक्सर इस बिजनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह, जब भी लोग फल बेचने वाले को देखते हैं तो वह अनपढ़ गरीब तबके का लगता है जो मजबूरी में रोड साइड फल की दुकान लगाकर फल बेच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। फल बिजनेस को छोटा मोटा बिजनेस ना समझें, क्योंकि इस बिजनेस से प्रतिमाह लाखों रुपए की कमाई होती है। फलों का बिजनेस कैसे शुरू करें, फल बिजनेस में लगने वाली लागत, माल कहाँ से लाए आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। मौसम के अनुरूप फलों का बिजनेस करके आप कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। फल बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ, इस बिजनेस में दूसरे बिजनेस की तुलना में रिस्क अधिक है, क्योंकि फल एक नेचुरल प्रोडक्ट है। एक निश्चित समय के बाद ये खराब हो जाते हैं, इसलिए फलों को समय पर बेचना होता है। इसकी रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फल बिजनेस को कौन कर सकता है? फल बिजनेस को शुरू करने के लिए ना तो किसी प्रकार की बड़ी डिग्री की जरूरत होती है और ना ही बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। कम पढ़े लिखे और कम पूंजी वाले भी इसे शुरू कर सकते हैं। फल बिजनेस को कैसे शुरू करें? फल बिजनेस को करने के कई तरीके हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके को अपनाना चाहते हैं। मुख्यतः फल बिजनेस को दो तरह से कर सकते हैं। पहला है होलसेल यानी थोक विक्रेता बनकर, और दूसरा है रिटेल में। अब सवाल आता है कि रिटेल में आप फल बिजनेस को किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि रिटेल में फल बेचने के भी कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है छोटे स्तर पर, जैसे रोड साइड पर फल की दुकान लगाना, हाथ ठेले पर फल लेकर गली गली घूमकर बेचना, मार्केट में शॉप लेकर फल बेचना, शहर में या गांव कस्बे में लगने वाले हाट बाजार में फल की दुकान लगाना, ऑनलाइन फल बेचना, लोगों के ऑर्डर पर उन्हें फल सप्लाई करना। इस तरह आप फल बिजनेस को कई तरीके से कर सकते हैं। फल बिजनेस में लगने वाली लागत। फल बिजनेस में कितना पैसा लगेगा यह बिजनेस करने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फल बिजनेस को दो तरह से किया जा सकता है, होलसेल यानी थोक में माल लाकर रिटेलर को बेचना, और दूसरा तरीका है रिटेल में यानी थोड़ा थोड़ा माल खरीदकर बेचना। यदि आप थोक विक्रेता बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। यदि आप फल को रिटेल में बेचना चाहते हैं तो यह भी आप पर डिपेंड करेगा कि आप फल बेचने के किस तरीके को अपनाना चाहते हैं। छोटे स्तर पर सड़क किनारे दुकान लगाकर फल बेचना चाहते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये की आवश्यकता होगी। यदि मार्केट में शॉप लेकर फल बेचना चाहते हैं तो कम से कम 50 हज़ार रुपये की आवश्यकता होगी। लगभग इतना ही खर्चा ऑनलाइन फल बिजनेस के लिए भी लगेगा। यदि आपके पास बजट कम है तो आप लोगों के ऑर्डर पर फल सप्लाई दे सकते हैं। फल बिजनेस को किस तरह से करें? होलसेल फल बिजनेस के लिए आपको डायरेक्ट फल उत्पादन करने वालों से संपर्क करना होगा। फलों के खेत या बगीचे से माल लाकर शहर के फल मंडी में बेचें। फल मंडी में कई बड़े व्यापारी होते हैं जो सीधे माल खरीदते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। शहर में होलसेल दुकान खोल सकते हैं, जहां से शहर के छोटे रिटेलरों को फल सप्लाई दे सकते हैं। जूस कंपनी को होलसेल में फल सप्लाई दे सकते हैं। रिटेल में फल बिजनेस को करना चाहते हैं तो होलसेलर से माल खरीदे और रिटेल में बेच दे। लो बजट में फल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो जान पहचान वालों से, आसपास के अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्ग, अकेले रहने वाले इंसान, आश्रम में रहने वाले जो मार्केट जाकर फल नहीं खरीद सकते हैं, उनसे मिले और उनके पसंद अनुसार फल का ऑर्डर लेकर फल सप्लाई दे। रिटेल में फल बिजनेस कहाँ करें? फल बिजनेस को आप शहर, गांव, कस्बे कहीं भी शुरू कर सकते हैं। शहर में आप मेन मार्केट में शॉप लेकर, रोड साइड
स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, हाईवे आदि जगहों पर फल की दुकान लगा सकते हैं। कौन से फल का बिजनेस करें? मौसम के अनुसार जैसे आम, अमरूद, केला, अंगूर, सेब, पपीता, पाइनएप्पल, तरबूज, खरबूज, अनार, मौसम्बी आदि फलों का बिजनेस कर सकते हैं। माल कहाँ से लाएं? होलसेलर सीधे फल उत्पादन करने वालों से माल खरीदें। आजकल शहरों के आसपास भी कई बड़े फलों के बगीचे हैं, वहाँ से थोक में माल लाकर आप होलसेल में बेच सकते हैं। रिटेल में फल बिजनेस करने के लिए होलसेलर से माल खरीदें। हर शहर में फलों के थोक व्यापारी होते हैं। सब्जी मंडी की तरह फलों की मंडी भी होती है, आप वहां से फल लेकर आ सकते हैं। थोक बाजार से खरीदे गए माल को रिटेल में किस भाव से बेचना है, यह वहां के थोक व्यापारी बता देते हैं। इसके बावजूद शहर के अलग अलग इलाकों में फलों के रेट अलग अलग होते हैं। फलों के रेट, उसकी क्वालिटी, पैकिंग, रखरखाव, शोरूम में रखा माल, खुले में फलों की बिक्री, शहर के रास्ते, महंगा इलाका आदि पर भी डिपेंड करता है। फल बिजनेस से होने वाली इनकम। फलों के बिजनेस में 20-30% की बचत होती है। यह भी दुकानदार पर डिपेंड करता है कि वो ग्राहक को फल कितने अधिक मुनाफे में बेच पाता है। इस बिजनेस में कमाई के दो तरीके हैं, फिक्स रेट और मोल तोल वाला। अधिकतर बड़े दुकानदार फलों के रेट फिक्स रखते हैं, वहीं छोटे मोटे दुकानदार ग्राहक को रेट कुछ बढ़ाकर बताते हैं। इसके बाद बताए गए भाव में से कुछ रुपए घटाकर देने को तैयार हो जाते हैं। ग्राहक भी खुश होकर माल खरीद लेता है। बिजनेस टिप्स। फलों का बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। फलों का बिजनेस कच्चे माल का बिजनेस है। समय से ना बिकने पर इसके खराब होने का डर रहता है, इसलिए जल्दी से जल्दी माल बेचना जरूरी है। यदि आप फलों का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले फलों की क्वालिटी और उसके देखभाल के बारे में सीखना होगा, क्योंकि फलों को समय से ना बेच पाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बिना अनुभव के फलों का बिजनेस शुरू ना करें। फलों की क्वालिटी का ध्यान रखें। अच्छे स्वादिष्ट व ताजे फल ही दुकान पर रखें, बासी फलों को दुकान से हटा दें। फल बिजनेस को होलसेल में करें या रिटेल में फलों के रेट सही रखें, इससे परमानेंट ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाएगी। ग्राहक से हमेशा अच्छा व्यवहार करें, अभद्र व्यवहार करने पर इसका दुष्प्रभाव दुकान पर पड़ता है। अपने नेटवर्किंग को लगातार बढ़ाते रहें, इससे बिजनेस को ग्रो करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, ये जान लें, फलों का बिजनेस मेहनत वाला काम है। सुबह मंडी से माल लाना, फलों को ठेले या दुकान पर सजाना, फलों की साफ सफाई करना और सुबह से लेकर रात तक दुकान पर सर्विस देना पड़ता है। फल काफ़ी नाजुक होते हैं, इसकी सही देखभाल की आवश्यकता होती है। दुकान बंद करने के बाद शेष बचे फलों को ठीक से रखना होता है, ताकि उसे दूसरे दिन फिर से बेचा जा सके। फ्रेंड्स, मौसम के अनुरूप फलों का बिजनेस करके आप कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। फल बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। गुड बाय, टेक केयर।